इस विशाल राष्ट्र भारत की जनसंख्या में एक बहुत बड़ी आबादी की हिस्सेदारी धरती पुत्रों की है। ये हिंदुस्तान, ये भारत, यह नाम ही तभी सिद्ध होता है जब धरती पुत्रों की चर्चा की जाती है। भारत को किसानों का देश कहा जाता है, यानी कि वो राष्ट्र जहाँ पे सर्वाधिक किसान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, इस वीडियो में हम धरती पुत्रों के एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत आग्रह इस चैनल पर किया है, और तब जाकर हमारी टीम ने मेहनत करके उन धरती पुत्रों का एक छोटा सा इतिहास निकाला है। आज इस वीडियो में हम काक्षी, कोयली या फिर कुशवाहा की उपजातियों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी भारत की कोयली जाति है, जिसको कोयली भी कहा जाता है, आज हम उसकी परिभाषा से आपको परिचित कराएंगे। कोयली, कौली या काक्षी। कौली ज़्यादा फेमस उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में यह नाम बहुत प्रसिद्ध है। कौली, कौली का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके अपने बात की कौल हो। कौल का अर्थ होता है वजन, या फिर जो अपनी बात पे अडिग रहे उसे कौल वाला व्यक्ति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये कौल शब्द बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ भूमिहारों या फिर खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ प्रजातियाँ, अगर आप ध्यान दें तो ब्राह्मण के बाद सबसे अधिक उपजातियाँ अगर किसी समुदाय की हैं तो वो है कुशवाहा समाज। तो इसी समाज की कोयली प्रजाति, जो प्राचीन काल में मधुमक्खी पालन, मछली पालन एवं आयुध भंडारण में सैन्य व्यवस्था का कारोबार जो देखती थी, उनको कोयली कहा जाता है। भारत के एक्टिव राजनीतिक इतिहास में दो बड़े नाम, एक उपेंद्र कुशवाहा बिहार से तो उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य का नाम कुशवाहा परिवार से बड़े ही गर्व से लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि कुशवाहा समाज के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, ताकि मैं आगे से इस चैनल पर काक्षी, कोयली या कुशवाहा समाज से जुड़े हुए वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।